मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्दी ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर ये सुलझने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 8 लोगों की मौत हो गई। 24 यात्री जख्मी हैं, इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना इलाके में हुआ। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC पर जम्मू कश्मीर में नशौरे सेक्टर के पास दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को ये सीज फायर वायलेशन किया गया। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के दो सैनिकों को ढेर कर दिया। रिपब्लिक टीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी खिलाफ लगाए गए विशेष अधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को विधानसभा और विधान परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अर्णब मामले में सदन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का ना तो संज्ञान लेगा और ना ही इसका जवाब देगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे आमजन के खिलाफ इस कदम का विरोध करें। इसके साथ ही किसानों के समर्थन और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 19 दिसंबर को विरोध दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी कांग्रेस सज्जन उपवास रखेंगे। धरना जिला और ब्लॉक स्तर पर गांधी प्रतिमा के समक्ष दिया जाएगा। कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। विमान मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में जानकारी साझा की गई। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता के लिए समान आधार को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट बड़ी ही सावधानी के साथ नोटिस जारी कर रहा है। भारत में कारोबारी निवेश और तरक्की की संभावनाओं पर फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच चर्चा हुई। फ्यूल फॉर इंडिया 2020 इवेंट में मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत अगले 20 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक होगा। तब तक प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी होगी। इस दौरान जियो और फेसबुक मिलकर वैल्यू एडेड क्रिएटर बनेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।